तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कुछ इस तरीके के जो लोडिंग प्रॉब्लम होते रहता है, मतलब कि लोडिंग सेव करके रहोगे तो उसके बाद आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो गाइस उस प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है, मैं आपको एक फोटो आप यहाँ पे मैं आप लोग दिखा चाहता हूँ। मेरा जो अपना अकाउंट है गाइस, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, इस अकाउंट में मेरा वही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम को गाइस कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, और इस वीडियो में आपको यही बता दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग, छोटी सी वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देख लेंगे गाइस तो आप लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाद ये छोटी सी प्रॉब्लम है जिन लोगों का मुश्किल हो चुका है बहुत सारा वीडियो देख के, ये प्रॉब्लम उन लोगों को सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाइस कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको अपना इंस्टाग्राम वाला अकाउंट फ्लो ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग यकीन नहीं करो कि भाई एक वीडियो कोई काम का है ही नहीं। तो आपको देखो नेक्स्ट पे क्लिक करना, देन यहाँ पे कुछ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देन यहाँ पे आपको लोडिंग जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेव करने जाएंगे यहाँ पे मेरा जो हाईलाइट सेव हो चुका है। अब इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा यही वाला अकाउंट का है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे आपसे भी देख सकते हो यही वही प्रॉब्लम और मतलब कि लोडिंग प्रॉब्लम ही हो रहा था, ठीक है। बट इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, जिस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है गाइस इस वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो वीडियो है ना हमारा, ये दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से दोस्तों यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट आप लोग दिखाना, मतलब कि मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि कैसे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये चैनल हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले गाइस आपको ये प्रॉब्लम अगर आ रहा है, ठीक है, आपको सबसे पहले फर्स्ट 3 स्टेप आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम वाले एप्लीकेशन को सर्च कर लेना, ठीक है। सर्च कर लेने के बाद ये प्रॉब्लम जिन लोगों का होता है, जो जिनका नया पुराना अकाउंट हो चुका है या अपडेट आ जाता है और वो लोग अपडेट ही नहीं करते हैं, जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल मतलब कि होता है, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये दिक्कत आता है कि अगर कुछ कुछ भी पोस्ट वगैरह डिलीट रिकवर करते रहते हैं, मतलब कि फ़ोटो अपलोड करते हैं फिर डिलीट करते हैं, अगर इंस्टाग्राम के मतलब कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर कुछ उठपटांग भी चीज़ें आप लोग करते हैं तो भी कैसे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग को वो प्रॉब्लम अपडेट कर लेने के बाद सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना, सिंपल इंस्टाग्राम वाले एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके रखना, ठीक है। गाइस यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना, देन यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या देखने को मिलेगा, ऐप इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को क्लिक कर देना, ठीक है। गाइस ऐप्स इन्फॉर्मेशन पे आप लोग क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो है अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट है बहुत सारा कचरा, मतलब कि MB लोड हो चुका है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उस MB को यहाँ पर क्लियर डाटा कर देना। गाइस आप लोग क्लियर डाटा कर देंगे तो गाइस आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद आप लोगों के सामने अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता तो आपको क्या करना है, देखो आपको 2 प्रोसेस मैंने बता दिया। देन सेकंड प्रोसेस आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे एप्लीकेशन को ही यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, 3 प्रोसेस में आपको बता दूंगा गाइस, इस 3 प्रोसेस से अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप पर्सनली यहाँ पे गाइस आप लोग अपना मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक ऐड कर दिया हूँ गाइस, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं यहाँ पर बहुत से लोगों का रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। जिन भी लोगों का प्रॉब्लम आता है गाइस वहाँ पर मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ, ताकि मैं मेरा जितना भी ऑडियंस है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पर्सनली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने गाइस ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो यार मिलता हूँ किसी ऐसे नॉलेज वाला हेल्पफुल वीडियो के साथ।